यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। ईश्वर की कृपा से आज सब कुछ अच्छा हो गया। वो कहते हैं ना, जब शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी सब अच्छा होता है। हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल का दिन बहुत ही शुभ है, क्यों ना शादी की मुहूर्त और तारीख भी कल ही निकलवा ले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समधी जी, आप अपने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लीजिए। गुड आइडिया। हम आज 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 अंश मेरी मदद करो, मदद करो। अंश बेटा, आप कुछ कह रहे थे? अंश, अंश, पायल के पापा तुमसे बात कर रहे हैं, जवाब दो। मुझे लगता है अंश को कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा, इसीलिए चला गया। ऐसा करते हैं ना, आप पंडित जी से कल ही मुहूर्त और तारीख निकलवा ही लीजिए। क्यों चैताली? हाँ हाँ भाभी। इन रीवा वंशियों को लगता है ये लोग मुझे यहाँ कैद करके रख सकते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं अब अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरा बेटा है, मेरा अंश है, क्योंकि वो भी अभी बुराई की तरफ आ चुका है। मुझे पता था अंश, तू जरूर आएगा। ये सब क्या है? कौन है ये लोग और क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? बादशाह जब आते हैं तो गुलाम ऐसे ही शोर मचाते हैं अंश। ये लोग बुराई के गुलाम हैं और तू बुराई का बादशाह। तेरी शक्तियां इन सबको आजाद ही नहीं, अमर भी कर सकती है। के हिसाब से तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सावी, एक काम करो, तुम पेन और पेपर ले आओ, मैं इसे पढ़ता हूं और तुम नोट करती जाओ। ओके डैड। ये पन्ना तुमने पलटा? नहीं तो डैड, मैं तो यहाँ अभी आई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं जो पहले पढ़ रहा था वो पन्ना कोई और था और ये वाला कोई और है। ऐसे कैसे हो सकता है डैड? यहाँ पे तो हवा भी नहीं चल रही कि पेजेस अपने आप पलट जाए। जामुनी विष का असर खत्म करने के उपाय। Thank you.
मुझे ये कुछ तरीका ठीक नहीं लग रहा है। इस खंजे से कैसे पियादी ठीक हो सकती है? ये तरीका पियादी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो मैं क्या करूँ? डायन रहस्य में ही लिखा हुआ है कि जब ये चांदी का खंजर गुड़िया के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो भी जामुनी विष है वो बहकर बाहर आ जाएगा। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि डायन रहस्य में लिखी हुई बात गलत नहीं हो सकती। प्लीज डैड रुक जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे करना होगा, गुड़िया के लिए करना होगा। छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ना मत, वो मर जाएगी। अंश बेटा तू ये क्या कर रहा है? अंश नीचे उतरो। अंश मैं अपनी गुड़िया पर खंजर नहीं चला सकता, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पायल चाहिए। अंशी तुम क्या कर रहे हो? अंश होश में है बेटा, रुक जा। अंश पायल को मेरे हवाले कर दो। वैदेश्वरी चलो। लेकिन आज 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 ठीक है वैदेश्वरी, हमें जल्द से जल्द पायल को यहाँ से लेके जाना होगा। हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा, वरना वरना हम उसके पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे जी? आराम से चेतन। वैदेश्वरी हुआ अंश? पता नहीं मां,
सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं दावंज हूं, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना माँ। फिर क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है माँ? तुझे दर्द हो रहा है क्योंकि पिया मर रही है। दिल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और ये कमजोरी अब तक तेरे सीने में धड़क रही है। अब तक तेरे अंदर का इंसान जिंदा है, अब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बना है। और जब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बनेगा, तब तक सबसे शक्तिशाली नहीं बन पाएगा अंश। तो मैं क्या करूं, कैसे मारूं अपने अंदर के इंसान को? मुझे कमजोर नहीं बनना, मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है, सबसे शक्तिशाली। तुझे दावंश बनने से सिर्फ एक ही चीज रोक रही है, एक ही चीज है जो तुझे दर्द दे रही है, प्यार। मुझे ना दर्द चाहिए ना प्यार। इस दर्द और प्यार से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। शुक्र है होश में आने के बाद पायल को कुछ याद नहीं है। भाभी भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। वैद्यश्री मैं अंश, अंश बेटा तू यहाँ पे, अंश तू ठीक है ना? हाँ, लेकिन ऋषि की शादी के लिए। लेकिन अब ऋषि की शादी नहीं हो रही है। अब शादी मेरी हो रही है। ये तू क्या कह रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है? शादी ऋषि की हो रही है, पायल से, तुम्हारी नहीं। ऋषि और पायल की शादी हो रही थी, अब मेरी और पायल की शादी होगी। चल मेरे साथ। क्या बोले जा रहा है अंश? कुछ तो सोच समझ के बोल। पायल ऋषि की मंगेतर है, तेरी होने वाली भाभी है। वैद्यश्री क्या कर रही हो जी? धीरे बोलो, पायल के घर वालों ने अगर सुन लिया तो कहा सोचेंगे जी? बोलो अंश, ऋषि तेरा भाई है, वो कितना मानता है तुझे, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने फैसला कर लिया है, मुझे पायल से शादी करनी है तो करनी है, आप लोगों की मर्जी हो या ना हो। तो कहा तेरे लिए हम बड़ों की मर्जी उनकी उनकी मंजूरी कोई मायने नहीं रखती? कहा मेरे लिए सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए, किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए आपको उसकी कोई भी जायज नाजायज मांग पूरी करनी पड़े तो कर दीजिए। देख अंश, बात सिर्फ तेरी नहीं है ना, पायल की खुशी उसकी मर्जी भी तो मायने रखती है ना, और उसकी खुशी ऋषि के साथ है, उसने ऋषि से शादी करने के लिए हाँ कहा है। लेकिन अगर अंश मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं। वो लोग पिया को ठीक करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पिया ठीक हो, इसीलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ लो, तुम्हारी जान की कीमत पिया की मौत। अब आगे क्या करना है? अब हम इस त्रिनेत्र मणि की मदद से पिया को त्रिशंकु लोक से वापस लेकर आएंगे। माँ, मैंने कहा था ना कि पायल अच्छी बिहेव कर रही है। अरे पायल, ये क्या, तुमने सारे गहने पहन लिए? हाँ,
क्योंकि मुझे गहने बहुत पसंद है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने सारे गहने हाथों में क्यों पहने हुए हैं? और ये पायल, ये तो पैरों में पहनते हैं ना। लाओ मैं पहना देती हूँ। नहीं, ये मेरे गहने और मैं अपने गहने किसी को नहीं देती। पायल, मैं तुमसे तुम्हारे गहने ले नहीं रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सारे गहने हाथों के लिए नहीं है। पंडित जी, जी अब आप मणि को बक्से में रखिए और चलिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जी ठीक है। हे भगवान, क्या हुआ? मणि यहाँ नहीं है। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं सच कह रहा हूँ, मणि यहाँ पर नहीं है। जरूर नमन के पास होगी। यही है वो प्रणेत्र मणि जिससे वो लोग पिया को बचाने वाले थे, लेकिन अफसोस अब वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मुश्किल है। आप तो डायन हैं, आप छू नहीं सकती, कैसे छुपाएंगे? ये तो भगवान का चीज है, को हम बंद कर देते हैं और इसमें लगाते हैं एक ठो मिनी ताला। देखिए, हमने अपने आप को साबित कर दिया कि हम भी बड़ा काम की चीज है। और मिलाइए हाथ हमसे, बहुत काम आएंगे आपके। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मोहना के काम आ सके। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब क्या किया मैंने? क्या किया? अंश की जिंदगी में, इस घर में चुड़ैल को फिर से ले आई तुम? चुड़ैल? ना नाटक मोहना, ऐसी बात मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं नाटक नहीं कर रही, तू खुद सोच छुटकी। चुड़ैल टाइम की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, भला मैं अपने बेटे की शादी चुड़ैल से क्यों करवाऊंगी? तुम चुड़ैल को यहाँ नहीं ली तो यहाँ वापस आई कैसे? ये तो अब वो चुड़ैल ही बताएगी। बहुत हो गया उसका नाटक, इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखेगी। ओह नो, यादी फिर से गायब हो रही है। पंडित जी प्लीज कुछ कीजिए। एक तरीका है। मेरे पास ये रुद्राक्ष माला है जो शिव रक्षक बांध है, ये पिया के शरीर को त्रिशंकु लोक में जाने से रोक सकती है। कुछ हुआ पंडित जी? जी आई थिंक इस माला ने पिया जी को त्रिशंकु लोक जाने से रोक लिया। लेकिन पिया को कुछ ही देर के लिए वहां जाने से रोक सकती है। बेटा, तुझे शादी करनी है या पायल से शादी करनी है? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मुझे पायल से शादी करनी है। लेकिन तू जिससे शादी करने जा रहा है वो पायल नहीं है। नहीं है, पायल नहीं है मतलब? मतलब ये पायल के भेस में कोई और है। Thank you.
पिया को सिर्फ त्रिनेत्र मणि ही वापस ला सकती है जिसे तू चुरा के ले गया। अरे अम्मा वो तो हम सीनियर डैन को दे दिए हैं। तू जैसे अखिल के दुश्मन से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। बोल अब त्रिनेत्र मणि के बिना तू पिया को कैसे बचाएगा। अरे अम्मा चुप हो जाओ, और हम ये सब नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम अपनी पिया को ठीक करके रहेंगे और उसके बाद अपने साथ उसे दुसरपा बना लेंगे, फिर उसके बाद उसको ना कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता। अब सीनियर डैन को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम क्या चीज हैं। तू सच में पिया को ठीक करना चाहता है? अरे अम्मा हम तुमसे कब फारसी वारसी में बोल रहे हैं, अरे हिंदी में बोल रहे हैं भाई। हम अपनी पिया को बचा के ये साबित करना चाहते हैं कि हम कितनी टॉप की चीज है। ठीक है, अगर तू सच में पिया को बचाना चाहता है तो एक रास्ता है जिससे पिया को बचाया जा सकता है। कैसे? तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। हाँ हाँ करेंगे ना, तुम बताओ ना अम्मा करना क्या है। सबसे पहले तू पिया को लिटा दे। लेकिन अम्मा तू बचाना चाहता है ना पिया को। हाँ लिटा देते हैं, रुको। आपका करना है पंडित। काम मां धोखा कर दी हमारे साथ। धोखा नहीं, तुझे तेरी ही भाषा में जवाब दिया है नमन। अच्छा, मैंने आपसे झूठ कहा था मां, मुझे शादी से मतलब है, पायल से नहीं। पायल से नहीं तो चुड़ैल से ही सही। वैसे भी पायल बहुत ही मामूली सी लड़की थी, लेकिन दिलरुबा, दिलरुबा मेरे टक्कर की है। ये तो क्या बोल रहा है अंश, ये चुड़ैल है चुड़ैल। लेकिन मैं तो डैन नहीं हूं, मैं तो दावंश हूं। और वैसे भी मैं जानता हूं दिलरुबा मुझे बहुत पसंद करती है ना दिलरुबा? हाँ दिल पर। तू पागल हो गया क्या अंश? चुड़ैल से शादी करेगा तू? एक मिनट छुटकी, कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अंश कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि वो एक दावंश है। दावंश, अब वो वही करेगा जो इसका दिल चाहेगा और वो किसी की नहीं सुनेगा। तुम चुप रहो, कहा था ना बीच में मत बोलना। मेरी बात समझ चुटकी, अंश तेरी बात नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। सावी अब ये पूरी तरह से साफ बन चुका है, टोकरी लेकर आओ और इसे उसमें बंद कर दो। खोलो इसे। तुम हमें यहां डैन के कहने पर लाई हो है ना? हाँ, लेकिन भाभी आप एक डैन पे भरोसा कैसे कर सकती हैं? चैताली हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, ना ही हम लोग अंश को रोक सकते हैं और ना ही चुड़ैल का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मोना ऐसा कर सकती है। भाभी क्या मोना ऐसा करेगी? करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मोना ने हम सबको यहाँ अंदर भेजा है तो उसने चुड़ैल से निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर सोच के रखा होगा। हमारे डायन वंश में सात फेरे लेने से पहले दुल्हन को डायन वृक्ष तक सात कदम चल के जल चढ़ाना पड़ता है और डायन वृक्ष से शादी के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। Yeah.
इस मंद बुद्धि चुड़ैल को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है। चुड़ैल जमीन पे नहीं चल सकती क्योंकि ऐसा करने से जमीन चुड़ैल की सारी ताकत खींच लेती है। 7 कदम लेते ही चुड़ैल सो जाएगी। लगता है डायन ने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। पंडित जी आपने ये क्या कर दिया? नमन को इस ताबूत में बंद कर दिया। क्यों, क्या हुआ? इस ताबूत में रूबी की राख है। डैड ने कहा था कि रूबी की राख को कोई भी नहीं छू सकता, पर अब तो नमन भी इस ताबूत में है। डैन सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है, और तेरी शादी इस चुड़ैल से हो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। ये तो गड़बड़ हो गई। एक डायन की राख किसी जीवित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायन को सिर्फ वापस आने का रास्ता चाहिए होता है, और अगर कोई जीवित व्यक्ति उसके पास होता है तो डायन की राख उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। और डायन उस व्यक्ति के शरीर पर अधिकार जमा कर फिर से जीवित हो जाती है। चलो दिलरुबा, अब और देर नहीं करते। कैसे हो गया? सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक उम्मीद है, लेकिन उसके लिए मुझे वो करना होगा
जो मैं नहीं करना चाहती थी। क्या? वहां से वो डब्बा उठा कर लाओ। इसमें त्रिनेत्रमणि है, इसे पिया के पास ले जाओ और उसके माथे पे लगा देना। इससे पिया दुष्यंक लोक से वापस आ जाएगी। इस समय एक पिया ही है जो चुड़ैल का मुकाबला कर सकती है। दिलबर, क्या हुआ? हर बार तुम्हें ये क्या हो रहा है? दिलबर, ये क्या हो रहा है आपको? लगता है हमसे बहुत देर हो गई। पिया जा चुकी है हमेशा के लिए। पिया दिलबर, क्या हुआ? इस प्यार और दर्द से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुझे पिया को अपने दिल से निकालना होगा और उसके लिए तुझे किसी और से शादी करनी होगी। तो पिया का नाम क्यों ले रहे हो? दिलबर, फिर शुरू करते हैं। चलिए। आप लोग सुधरेंगे नहीं। आपको अभी भी लगता है कि आप मेरी शादी रोक से बेटा, जय मंगलम सर्वम दुर्गेश्वरी सर्वम।
प्यारी गुरु माँ, प्यारी वापस आ रही है। पिया 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 मेरी बच्ची पिया, पिया ही अब अंश और चुड़ैल की शादी रोक सकती है। दिलरुबा अमर है, दिलरुबा को कोई नहीं मार सकता है। तुम्हारे जहर का दिलरुबा पर कोई असर नहीं होगा। असर होगा, तुम मरोगी नहीं लेकिन काबू में जरूर आओगी।
मैंने कहा था ना, दिलबर सिर्फ दिलरुबा का है और दिलरुबा के लिए दिलबर किसी से भी लड़ सकता है, तुमसे भी। अंश, हट जाओ मेरे सामने से। नहीं हंच, मैंने कहा हट जाओ मेरे सामने से। दिलरुबा तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुम होश में नहीं हो अंश, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम क्या कर रहे हो। ये चुड़ैल है। भूल गए, भूल गए क्या क्या किया था इसने हमारे साथ। मैं जानती हूं तुम ऐसे नहीं हो, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। ये सब जो तुम कर रहे हो ये तुम नहीं कर रहे हो, कोई तुमसे करवा रहा है। लेकिन कोई भी बुराई तुम्हारे अंदर की अच्छाई से बड़ी नहीं है अंश। पिया इसके आंसुओं पे मत जाओ, इस वक्त ये तुम्हारा अंश नहीं, ये दावंश है और ये तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरी शक्तियां सूर्य उदय होने के बाद ही मिलेंगी, तब तक पिया को अकेले ही चुड़ैल का मुकाबला करना होगा। दिलबर बोलो, इसे खा जाओ क्या? नहीं अंश, ऐसा मत होने देना। इस चुड़ैल की बातों में मत आना। जल्दी बोलो दिलबर, क्या करो इसका? खा जाओ, खा जाओ। चमगादड़ की औलाद शादी करेगी मेरे बेटे से? अभी दिखाती हूं तुझे तेरी औकात। होश में अंश, ये तुम नहीं हो। यही मैं हूं, यही मेरा असली रूप है, यही मेरी असलियत है। किस्मत के हर
नो मा, मा नहीं मा, प्लीज प्लीज बस बेटा बस, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप जो कहेगी मैं करूँगा, आपका अच्छा बेटा बनूंगा माँ, मा प्लीज। आज प्लीज मुझे भगवान पे भरोसा रखो, आज आप ठीक हो जाएगी। चाची चाची आप कुछ कुछ कीजिए। दैविक हार गई, मेरा मतलब सर्पिका हार गई, तुम्हारी शीत वाटिका भी कुछ नहीं कर पाई। चुटकी को सिर्फ एक दैविक ही बचा सकती है, जो कि तुम हो। मेरा मतलब ऐसा ये लोग सोचते हैं, इसीलिए तो इन्होंने अंश की शादी तुमसे कराई थी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि तुम अंश की और इस परिवार की रक्षा करोगी, अंश को बुराई की तरफ जाने से रोकोगी। भले अब मैं दैविक नहीं हूं, लेकिन अंश को बुराई की तरफ जाने से अभी भी रोक रही हूं। दैविक शक्तियों से नहीं, लेकिन प्यार की शक्ति से। ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि जिस दिन अंश को तुम्हारी असलियत पता चलेगी कि जिससे उसकी शादी हुई है वो दैविक नहीं बल्कि एक सर्पिका है, सारा प्यार हवा हो जाएगा। सोचो इस घर के लोगों पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। और अंश, जब उसे तुम्हारे धोखे के बारे में पता चलेगा ना, वो तुमसे नफरत करने लगेगा। हेलो हेलो सावी। हाँ दी। टाइम रसे खोलो। क्या हुआ दी? टाइम रसे में माँ को ठीक करने के लिए जीवों की लिस्ट होगी, जिसमें सबसे ऊपर हिमपक्षी का नाम है। हाँ दी, पर हिमपक्षी तो पहाड़ों में मिलेगा। हाँ सावी, लेकिन दूसरे जीवों के नाम भी तो होंगे। दूसरे नंबर पर किसका नाम है? दूसरे नंबर पर लिखा है सर्पिका। अरे देवी माँ, भाभी तुम्हें कितना मानती है, उनकी रक्षा करो, कोई तो चमत्कार करो। चेताली भैया, अंश, भाभी वापस से फ्रीज होना शुरू हो गई है। अरे ये क्या? अंश अंश वाह वाह, शुक्र है भगवान का। चेताली, लगता है माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। ये तो सच में चमत्कार हो गया। खोल
ये खून कहां से आया? चेताली, Thank you.